बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कटिंग एंड स्टिचिंग। क्या हाल चाल है आपके, खैरियत से हैं आप? आज मैं आपको कमीज पर अस्तर लगाना सिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने कमीज का अस्तर काट कर रखा हुआ है। अस्तर वाली कमीज में सबसे पहले ये बात याद रखिए कि अस्तर वाली कमीज में हम कमीज पहले नहीं काटते, सबसे पहले हम अस्तर काटते हैं। दूसरी बात ये कि जितनी भी हमारी कमीज़ की लंबाई कटती है, अगर 40 कटती है तो अस्तर हमारा 38 होगा, अगर 42 कटती है तो अस्तर हमारा 40 होगा। हमेशा 2 इंच छोटा होगा लंबाई में अस्तर। परफेक्ट जिस तरह कटिंग होती है वो आपकी अस्तर पे कटेगी। कमीज़ की कटिंग का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने दामन की सिलाई पहले ही कर ली है। हर अस्तर में दामन की सिलाई पहले कर लेते हैं। देखिए ये 26 इंच है, यानी हाफ 13, 13 को हम खोलेंगे तो 26 इंच आएगा, तो पूरा 26 इंच ही हमें अपने कपड़े पे लेना होगा। मैंने 26 इंच यहाँ से लिया, ये मेरी कमीज का कपड़ा है, वो अस्तर का था। कपड़ा हमेशा हम खड़ा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा बिल्कुल खड़ा कपड़ा आएगा इस तरह से। खड़े पे हम बनाते हैं अपनी कमीज। देखिए मैंने 26 इंच लिया, फ्रंट का और बैक का, ये दो हिस्से में कपड़ा है, तो मैंने सिर्फ फ्रंट निकाल लिया यहाँ से काट कर। इधर से मैं इसको काट दूंगी, ये मेरे दो पीस हो जाएंगे, एक मेरा बैक एक मेरा फ्रंट, 26 इंच का। ये दो पीस हो गए, एक ये इसको मैंने हटा दिया और एक ये। व्यूअर्स हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम अस्तर वाली कमीज काटते हैं या अस्तर काटते हैं तो हम सेंटर से क्रीज बनाते हैं। ये देखिए मेरी क्रीज बनी हुई है, आप लोग देखिए, बिल्कुल मैंने सेंटर से ये क्रीज बनाई है, बिल्कुल सेंटर। और इसी तरह मैंने अपने अस्तर पे क्रीज बनाई हुई है, आप देख लीजिए नीचे तक, इसका भी सेंटर, कपड़े का भी सेंटर। अब हमने अपना बैग हिस्सा रखा पहले। व्यूअर्स हम बैग पे गला काट लेंगे, फ्रंट पे नहीं काटेंगे। अस्तर सेट करने के बाद हम गला काटते हैं फ्रंट पे, हमें बुकरम का बनाना है, पाइपिंग कॉलर जो भी लगाना होता है, इसलिए बैग पे हम गोल गला काट लेते हैं अस्तर पे जो भी हमारा नाप है। देखिए व्यूअर्स, मैंने कमीज का कपड़ा नीचे रखा बगैर कटा और अस्तर को काट के मैंने इस पे सेट कर दिया। आप ये भी देख सकते हैं कि 2 इंच का फर्क होता है, हमारा अस्तर 2 इंच छोटा होता है, ये मुड़ा हुआ है। जब हमारी कमीज 1 इंच मुड़ेगी तो हमारा वही 2 इंच का फासला आ जाएगा। अब मैं इसको काटना स्टार्ट करती हूँ। मैं अपने गले को नहीं काटूंगी जब मैं अस्तर सेट करूंगी, जब मैं कमीज के बैक के गले को काटूंगी। ये मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले लूँ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हम अस्तर सेट करते हैं तो ये हमें आसानी रहती है, एक्स्ट्रा हम बाद में काट देते हैं। अभी मैं आपको सेट करके बताऊंगी तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। मैंने अपना बैक काट लिया, अब मैं अपना फ्रंट काटूंगी। व्यूअर्स देख लीजिए, मैंने अपना फ्रंट रख दिया इस पे और कपड़ा भी रख दिया कमीज का। इसमें भी देखिए 3 इंच का फर्क है, जब हम 1 इंच का दामन मोड़ेंगे तो 2 इंच का फर्क आ जाता है। अब मैं इसको कटिंग करूंगी। कटिंग में मेरा कपड़ा कमीज का एक्स्ट्रा आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन कम ना पड़े। अभी मैं आपको अस्तर सेट करके बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि मैंने कपड़ा क्यों थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लिया था। अब जो मेरे कुटके हैं, हिप्स के, कमर के और चेस्ट के, मैंने बराबर से काट ली ताकि मेरा अस्तर आगे पीछे नहीं हो सेट करते में। अब मैं आपको अस्तर लगाना बताती हूँ। व्यूअर्स देखिए आप, मेरी जो सेंटर की क्रीज थी और मेरे अस्तर की जो क्रीज थी, मेरे गले का कुटका सेंटर का और मेरे शमीज का कुटका, इसको मैंने बिल्कुल सेंटर से लगा लिया। सादे कपड़े में तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन आजकल काम बने हुए जो गले आ रहे हैं, अगर अस्तर थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है तो जब हम कमीज सीते हैं तो गला हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए ये चीज़ हमें बिल्कुल सेंटर में रखनी होती है कमीज की भी और अस्तर की भी।
इसको मैंने पूरा आलपिनो से सेट कर दिया। जो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको मैं अब काट दूंगी। अब मेरा बिल्कुल ये बराबर और फिनिशिंग से आ जाएगा। ये फ्रंट हिस्सा है मेरा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स भी करें। इससे हमें पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने आलपिनो लगा के बिल्कुल इसको परफेक्ट कर दिया। लेकिन इसके साथ अगर आप कच्चा भी कर लें तो आपका अस्तर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। मैचिंग धागे से करते हैं लेकिन आपको नज़र आए बहुत अच्छी तरह से। अगर आप सीखने वाले, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए, इसलिए मैं ब्लैक धागे से कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा दो दो पॉइंट या आधा आधा इंच हटा के मैं बड़े बड़े टाँके इसमें मारूंगी, क्योंकि कच्चा है, सिलने के बाद ये उधड़ जाता है। बस इससे ये खूबसूरती आती है कि हमारा अस्तर बिल्कुल जम जाता है और ज़रा भी झोल नहीं आता। मैं पूरे को इसी तरह बैक और फ्रंट को कच्चा कर दूंगी। चारों तरफ सीती हुई मैं अपने एंड की तरफ आ गई। ये देखिए, मैंने बड़े बड़े टांके लेके इसको अब मैं यहाँ से थोड़ा सा पक्का कर दूंगी। बाज़ औक़ात जो है हम सीते हैं तो थोड़ा यहाँ से निकल जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए आप पक्का कर दें, बाद में ये सब खुल जाएगा। ये देखिए, ये पूरा पीस मैंने, देख लीजिए कहीं भी झोल वगैरह आपको फ्रंट से भी देख लीजिए कहीं झोल नहीं है। जो हमने क्रीज बनाई थी उस पर हमने आलपिने लगाई हुई हैं। आप चाहो तो आप इनको इस्ते कर लो, ये पूरा खुल के खूबसूरती से और आ जाएगा। अब मैं इसका बैक कच्चा करूँगी। देखिए व्यूअर्स, ये पूरी क्रीज सेंटर, ये सेंटर, ये कमीज़ की हमने क्रीज बनाई थी। कमीज़ उल्टी रखी हुई है और अस्तर भी उल्टा रखा हुआ है, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर ये सीधा इधर से आएगा और अस्तर सीधा अंदर से नज़र आएगा। देखिए व्यूअर्स, हमने कमीज़ में कुछ भी नहीं काटा था, गला भी नहीं काटा था, गला भी हमने अस्तर पे काटा है और फ्रंट का गला भी हम बनाएंगे, वो हम काटते नहीं हैं अस्तर पे। हमें जो भी बनाना होता है हम अस्तर सेट करके बनाते हैं, बैग हम काट लेते हैं। और ये मैंने देखे, इसके साथ साथ मेरा गला कहीं भी नहीं जाएगा। अब मैंने जैसे फ्रंट को करा था ऐसे ही मैं बैक को कच्चा कर लूँगी। देखें, अब हम अस्तर की कटिंग का तरीका बताएंगे। अस्तर में, अस्तर सिर्फ कटिंग होता है, कपड़ा कोई कटिंग नहीं होता है। मैंने अस्तर काट ली है, अस्तर की कटिंग डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, मैं काट चुकी हूँ। सिर्फ मेरा ये है कि मैंने 6.5 इंच लिया, ये कुर्ता अस्तर जैसी लूज पहनती हैं ये। उसके बाद मेरी जो कटिंग थी मैंने अपना कपड़ा रखा और इसको मैंने सेम इसी तरह काट दिया। एक बात का ख्याल रखिए कि हमारी जो कन्नी होती है, इस चीज़ को अगर आप निकाल दें लंबाई में भी चौड़ाई में भी आस्तीन में भी तो सही रहता है, ये झोल देती है। अब मैं उसी तरह से जिस तरह मैंने अस्तर सेट किए हैं, कुटका लगाया आस्तीन में, इसमें भी कुटका लगाया, मैं इसको इस तरह मेरा कपड़ा उल्टा और मेरे अस्तर का कपड़ा भी उल्टा। देखिए व्यूअर्स, कपड़ा उल्टा, अस्तर भी उल्टा, मैं काट चुकी हूँ। अब मेरा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं कच्चा करने की वजह से इस सब को एक्स्ट्रा को निकाल दूंगी। ये मेरा सेंटर, ये मेरा सेंटर। जब मैं अस्तर कच्चा कर लेती हूँ तो मैं इस पर इस्त्री लगा देती हूँ, ये फिनिशिंग से फिर और आ जाएगा। ये मैंने शेप दिया हुआ है आस्तीन का, मैंने इस तरह काटा और अब मैं इसको बिल्कुल इसी तरह कच्चा कर लूँगी, मेरी आस्तीन बिल्कुल साफ़ सुथरी आ जाएगी। व्यूअर्स याद रखिएगा, हमने अपने अस्तर पे कुटके लगाए हुए हैं, जब हम अस्तर सेट कर लेते हैं तो हम कमीज पे भी ज़रूर लगाते हैं, हिप से भी, इधर से भी और चेस्ट से भी लगा लें। ये मैंने अपने आस्तीन का अस्तर सेट कर दिया, देखिए बिल्कुल इसमें झोल नहीं आएगा। सेंटर 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 इस तरह सीधे पे भी आप देख लीजिए, जब हम इसको लगाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत, कहीं से भी ये झोल नहीं खाएगा। ये देखिए, इसको हम इस्त्री कर लेंगे, ये चीज़ सारी ख़त्म हो जाती है पूरा काम करने के बाद। आप इस्त्री कर लें, ये क्रीज हट जाएगी,
वरना ये थोड़ा सा नामिस्तना खाता है तो सही नहीं लगता, इसलिए अब आप इसको इस्त्री कर लें। तमीज़ को भी इसको भी बिल्कुल छोल नहीं आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी और वीडियो मिलती रहे, और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।